हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टेक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और इसके बारे में डिटेल समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज होता है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को दोस्तों हम साइन कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका इक्वेशन होता है I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहां पर I इंस्टेंटेनियस वैल्यू और आई एम मैक्सिमम या पीक वैल्यू होता है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डायरेक्ट करंट को हम एक सीधी रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता। चलिए अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। हमारे पास एक कॉइल है पी क्यू, जिसका एरिया ए तथा नंबर ऑफ टर्न्स एन है। मान लीजिए कुंडली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड बी से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। टी टाइम के बाद दोस्तों, क्वाइल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से थीटा डिग्री रोटेट हो जाती है। फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्वाइल को रोटेट क्यों करा रहे हैं। तो आपने फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम तो पढ़ा ही होगा, और यदि नहीं पढ़ा तो मैं लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हैं, तब उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है, जिसे हम अभी फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए डेरिवेशन में आते हैं। तो कुंडली थीटा डिग्री रोटेट हुई, अब कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। कुंडली से लिंक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है एन बी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू रखने पर यह हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब दोस्तों, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पर अब हम फाई का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, जिससे ये हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन में देखिए दोस्तों, एन बी और ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और ए एरिया ऑफ कॉइल है। ये तीनों कॉन्स्टेंट वैल्यू होने के कारण डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे और कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करने पर हमें मिलेगा ओमेगा इंटू माइनस साइन ओमेगा टी। अब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन में हम एन बी ए इंटू ओमेगा की जगह पर एक वैल्यू रखेंगे ई एम, जो कि पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होता है ई एम एफ का। इस प्रकार दोस्तों, यह एक अल्टरनेटिंग ई एम एफ का इक्वेशन बन चुका है। इस इक्वेशन में यदि दोनों तरफ हम R से डिवाइड कर दें तो यह अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू V बाई R होता है। इस इक्वेशन में आई एम इक्वल टू ई एम बाई R है। फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब बहुत जल्द ही मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।